आज हम मिंट मुरमुरे बनाएंगे, जिसका टेस्ट आपको पानीपुरी फ्लेवर जैसा लगेगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम पुदीने के सारे पत्ते एक एक करके निकाल देंगे। सारी पत्तियों को हम अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। वॉश हो जाने के बाद इसको हम साइड पर रख देंगे और थोड़ा उसको सूखा करने के लिए रख देंगे। उसी तरह से हम धनिया ले लेंगे। धनिया को हम थोड़ी सी सॉफ्ट हो वैसे ही हमें धनिया लेनी है, और उसमें डंडिया का भाग हमें नहीं लेना। दोनों को अच्छी तरह से सूखा करने के बाद इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। ऊपर से हम अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं। और थोड़े से हम नींबू के फूल डालेंगे, यानी कि सिट्रिक एसिड, और उसके साथ हम आधा नींबू डालेंगे। अगर आप सिट्रिक एसिड यूज़ करना नहीं चाहते तो उसकी जगह आप पूरा नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम छोटे से मिक्सर ग्राइंडर के जार में एकदम बारीक ग्राइंड कर देंगे। इस तरह से हमारी ऐसी पेस्ट बननी चाहिए, वीडियो में पता है उसी तरह से। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 3 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लेंगे। तेल पूरी तरह से गर्म हो जाने के बाद ही हम उसमें हींग, उसमें ये पेस्ट और ऊपर से थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और सबको अच्छी तरह से सौते कर देंगे। इसको पेस्ट को हमें बहुत ही अच्छी तरह से सौते करना है। उसमें थोड़ा सा पानी का भाग होता है, इसको अच्छी तरह से सौते करने से तो वो थोड़ा सा सूखा हो जाएगा। थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। सबको हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा नमक होने से इसका टेस्ट थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाएगा। इसी समय पर हम मुरमुरे डाल देंगे और 1 मिनट के लिए हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि गैस चालू होगा तो आप मसाले थोड़े से जल सकते हैं। और अच्छी तरह से इस पेस्ट के साथ ये सारे मुरमुरे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पूरी तरह से मिक्स हो जाने के बाद ही हम गैस चालू करेंगे। हमने सारे मुरमुरे को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब गैस भी हमने चालू कर दिया है। तो हम लो फ्लेम पे ही हम इस मुरमुरे को लगातार चलाते ही रहेंगे, जब तक ये अच्छी तरह से सीख ना जाए। अब हमारे ये मुरमुरे अच्छी तरह से सीख भी गए हैं, तो इसको हम एक बॉल में निकाल देंगे और इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। मुरमुरे को आप एक बैग में भर दीजिए और ऊपर रबर बैंड लगा दीजिए, और रबर बैंड लगाने के बाद इसको एक डिब्बे में रख दीजिए, जिससे उस पर बाहर की हवा का कोई असर नहीं होगा। आपको हमारी पानीपुरी फ्लेवर या मिंट मुरमुरे फ्लेवर की रेसिपी कैसी लगी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।